मेरा जो मेन फोकस रहता था वो तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर रहता था। एक किताब ने 10 बार पढ़ो व्यापार लगाओगी, ना कि 10 किताब एक एक बार पढ़ोगे तो व्यापार लगाओगे। पर एग्जाम क्लियर होने तक कोई कौन रोक सकता है? चाहे कोई कोचिंग लेने लग रहा है, चाहे कोई कोचिंग नहीं लेने लग रहा है, ये बेसिक बात है भाई सारे खातर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। पिछली वीडियो में बहुत सारी कमेंटें थी कि बुक्स कौन सी पढ़ रहे हो ये, और मैथ की, इंडिया जीके की कौन सी बुक्स पढ़ रहे हो, तो कैसे तैयारी करी, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और इसके लिए मैं गगन भाई साहब से मिलने जा रहा हूँ, जो कि 2019 में कलर्क लगे हुए थे। और पिछली वीडियो मैंने बताया था कि मैं गगनदीप के साथ में पढ़ता था लाइब्रेरी में, और गगनदीप जो है वो 2019 में कलर्क में सिलेक्टेड कैंडिडेट है। पहले बताया भी होगा, बुक्स तो बहुत सारी हैं, देश जाने की बुक है, ठीक है। ज़्यादा बुक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और कुछ बच्चों के दिमाग में ये हमेशा रहता है कि हमको ना जीरो से तैयारी करनी है, स्टार्टिंग से प्रिपेयर करेंगे, उस अकेडमी में जाएंगे जहाँ पे बिल्कुल ऐसे मैथ के सवाल ऐसे समझाते हो 2 × 4 और 4 × 8। देखो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सभी बच्चों का बेसिक्स क्लियर होता है, आपने कम से कम 12th तो कर ही रखी होगी, नहीं तो ग्रेजुएशन भी कर रखी होगी, कहीं उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी होगी। तो अगर आपने इतनी पढ़ाई कर रखी है तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि आपके बेसिक्स क्लियर है। तो ये बेसिक्स वाले फंडे के पीछे बिल्कुल भी ना भागो, सीधे सीधे मैं तो कह रहा हूँ सीधे सीधे प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, उसको सोल्व करो, पहले मॉक टेस्ट लगाओ, फिर जो क्वेश्चन हमसे सोल्व नहीं हो रहा है उसका पीछे सॉल्यूशन देखो, फिर भी नहीं सोल्व हो रहा है तो किसी से पूछ लो जिसको उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, कोई किताब दिख जाए, ये किताब अच्छी दिख रही है ये भी ले लो, ओह इसमें तो ये वाला क्वेश्चन नया आ गया ये भी ले लो, इसमें ये वाला क्वेश्चन तो मैंने देख नहीं रखा ये भी ले लो। ये गलती बिल्कुल भी ना करो भाई, थोड़ी किताबें रखो, उनको बार बार पढ़ो। एक किताब जाना मेरी है, दूसरी किताब है, दूसरी है। तो HSSC का पेपर था ना, HSSC के इसमें है 60 पेपर, यमन पढ़ी थी 3 बार किताब, 3 बार पढ़ी होगी, 3 बार एक दिन में 5 सेट 6 सेट जितने भी पढ़े जाओ फटाफट। लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती भाई, इसमें थोड़ी सी थी गलती, आंसर गलत है या और कुछ, लेकिन वो जब आप पढ़ते हो ना तो आपको धीरे धीरे पता लग जाता है हाँ भाई यहाँ पे गलती है। लेकिन मेन बात ये है कि पेपर होने चाहिए, प्रैक्टिस करनी जरूरी है, एक दो गलतियों वो समझ में आ जाए बंदे क्या। और तो एक मैंने एप्लीकेशन का ही पता लगा था धीरे धीरे, एक एप्लीकेशन थी ग्रेड अप जब अपना MTS का पूरा था, उससे पहले हमने कितने मॉक टेस्ट लगाए थे, बहुत मॉक टेस्ट लगाए थे, और बहुत उसमें जीके क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर सको, और लगातार चलते रहते हैं, जीके होगी, इंग्लिश होगी, सारी चीजें आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया आया था। जब अपना CHSL का पेपर था, CHSL की प्रैक्टिस करो, थी डेली की प्रैक्टिस करया कर दे, डेली एक पेपर डेली मॉक लगाया कर दे, बढ़िया वाला पेपर जरूर देना चाहिए। क्योंकि मैं दिन का कोई लग भी गया, मैं उन्हें भी कहूंगा कि भाई पेपर जरूर देना चाहिए। और क्यों है, क्योंकि ना तसल्ली को नहीं रह रही आजकल कुछ भी, हरियाणा में भी कोई तसल्ली को नहीं रह रही, लागे अच्छी बात है, लेकिन ये सारी प्रोसेस दोबारा से चल रही है। लो हम तो श्योर हैं भाई भगवान की दया से नंबर ठीक ठाक है, लेकिन अगर कोई श्योर ना हो तो उसके साथ तो बुरी बने। तो ये मैं यही कहूँगा कि अगर तेरा MTS का एग्ज़ाम है तो दे, MTS का एग्ज़ाम देने में क्या जा, तैयारी तो है ये। और कोई अगर नू सोचता हो भाई किसी की पोस्ट ख़राब होगी तो ऐसा कुछ को नहीं, वेटिंग नाम की चीज़ होगा, अगर सरकार करना चाहो तो क्लियर कर सके है, ठीक है, उसमें बच्चे का कोई कसूर को नहीं होता। तो ये चीज़ भी मैं आपको बताना चाहूँगा, बुक्स पढ़ो पर्टिकुलर, एक एक सब्जेक्ट की एक एक बुक ले आओ। मैथ का सब्जेक्ट होगा मैथ, हमने प्रिपेयर करना, RS अग्रवाल की एक मैथ की बुक आओ, बेसिक सी बुक है, चैप्टर वाइज है, उसमें तो क्वेश्चन करो, बेसिक इंग्लिश ग्रामर प्रिपेयर करने खातिर नीतू सिंह मैम की इंग्लिश की है, प्लिंथ टू पैरामाउंट कह लो, उसने KD कैंपस की बुक कह लो, पैरामाउंट की बुक, एक ही बात इंग्लिश की ग्रामर और बेसिक वोकैबुलरी का पार्ट उठता कंप्लीट हो जाएगा। देखो प्रीवियस ईयर पेपर तो चाल दे रहेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर तो हमने करने पड़ेंगे, लेकिन वो वाली चीज़ हो जाएगी उसमें तो क्लियर। और बात जड़ते हैं वोकैबुलरी की, तो वोकैबुलरी का मैं बता दूँ, वोकैबुलरी खातर एक ऐप है, ग्रेड अप नाम की ऐप है, उसमें तो हमें वोकैबुलरी के जो क्वेश्चन है ना वो प्रैक्टिस कर सको हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो जाएंगे। और बता, मैंने परचेज कर लिया था, 300 रुपये का परचेज था, 1 साल का टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट मिल, बहुत सारे मिल जाए ग्रीन कार्ड में, हाँ ग्रीन कार्ड, और फिर भी रखे हो यार सक्षम भी आ गया, 900 रुपये खर्चा जिस मत कर, उसमें एक कोड भेज दिया उन्होंने, वो कोड भेज देने आप ग्रेड पर यूज कर सको, हाँ यूज कर सको हो। इफ कन्फ्यूजन का दो है, कन्फ्यूजन का दो है, जब अपने दोनों ऑप्शन हो, ऑप्शन होना अच्छी बात है, लेकिन जितनी ज़्यादा ऑप्शन होंगे जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी वह कितने कितने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दे। तो मैं कहूँ उस कन्फ्यूजन ने मिनिमाइज करो, एक एक किताब पर फोकस करो, हर एक सब्जेक्ट की एक बेस्ट किताब ले आओ, और सब में बेस्ट किताब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर की जो भी बेस्ट किताब था हमने लागा जिसमें कम से कम गलती हो वह किताब ले आओ अपने, और उस पर प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, और कंप्लीट वाली किताब ले आओ,
मैं तो यो कहूँगा कि भाई अलग अलग लैंड की बजाय भाई प्रीवियस ईयर इंग्लिश, प्रीवियस ईयर मैथ, प्रीवियस ईयर हिंदी, ये लैंड की बजाय एक कंप्लीट किताब ले आओ जिसमें पूरा पेपर दे रखे। एक किताब ने 10 पेपर दो वह पार लगाओगी, ना कि 10 किताब एक एक पेपर दोगे तो वह पार लगाओगे। 10 किताब पर डोड़ी कोई काम को नहीं आता, एक एक किताब पर दो उसने दाव रट दो। क्लियर इतना दिमाग में रखना कि इस किताब का अगर क्वेश्चन आ गया ना तो वो नहीं जागा कितने। दिक्कत ओड़ा होगा कि पढ़ रखा है और फिर गलत करा, पर एग्जाम क्लियर होने तक कोई कौन रोक सकता। जीके के क्वेश्चन डिस्कशन ते और ऐप में प्रैक्टिस करने ज्यादा क्लियर हो। इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, सारी चीजों के ऊपर फोकस को नहीं करना। लेकिन जिस बंदे की तैयारी को नहीं 20 की भी यार वो पढ़ने लग रहा ग्रंथ ठाकर ने, या गलती हो जाए ये बात आ जाए जीके की, नेशनल जीके कहाँ से प्रिपेयर कर। तो देखो जीके की बुक पढ़नी है तो पहली बात तो प्रीवियस ईयर अबे तो पढ़ो ही पढ़ो। दूसरी बात एसएससी के प्रीवियस ईयर की एक बुक आओ घटना चक्कर करके, वो हरियाणा के रिफरेंस के हिसाब से ठीक रहेगी। अगर किसी ने पढ़नी है भाई मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़नी है, मतलब एक तरीके से हमने क्लियर करके चलनी है चीज़ अगर मैं पढ़ सकूँ मेरी कैपेसिटी है, तो ब्लैक बुक ऑफ जीके करके आओ है, ठीक है, जिसमें एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वे सारे सम अप करके दे रखे हैं। अगर हम ही कहो भाई हमने रटा कौन सा, हमने चीज़ थोड़ी बहुत समझ नहीं भी पड़ेंगी, तो लूसेंट की बुक है भाई, लूसेंट वाली पढ़ लो। लूसेंट में क्वेश्चन भी हैं, फैक्ट भी हैं, थोड़ा बहुत समझा भी रखा है, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। चॉइस इज योर्स, एक के लिए आइयो, मेरे कहने का मतलब ब्लैक बुक जो किताब वो ऑप्शन वाली है ना, और सीधे फैक्ट स्पिडी की डाल है भाई। ला 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 ला